हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रनिंग करते हुए आप जल्दी क्यों थक जाते हैं। मान लीजिए आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई हेल्थ इशू भी नहीं है और पिछले कुछ समय से आपका अच्छा वर्कआउट चल रहा था, आपका स्टैमिना अच्छा है, आपकी स्पीड अच्छी है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से या एक हफ्ता आप लगा लीजिए, एक हफ्ते से पिछले जब भी आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं आप जल्दी थक जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो दोस्तों, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने यही नोटिस किया कि कभी भी अगर हमारा कोई कंपटीशन नज़दीक आता है या कोई भर्ती नज़दीक आ जाती है, हम क्या करते हैं, हम अपना वर्कआउट बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी का, लेग्स का ओवर यूज करने लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी डाइट की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। हम जो पहले डाइट ले रहे थे वही डाइट हम कंटिन्यू करते हैं और हम अपना वर्कआउट बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कभी भी हम अगर हार्ड वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो मसल होते हैं, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, मसल को भी एक रेस्ट चाहिए होती है या जल्दी से जल्दी उसे रिकवरी चाहिए होती है ताकि हम अगले दिन एक अच्छा वर्कआउट कर पाएं। उसमें क्या होता है कि आप काफी जो वर्कआउट हैवी कर लेते हैं, आपके जो मसल है वो थक जाते हैं, वो रिकवरी नहीं कर पाते। रिकवरी कैसे होगी? रेस्ट प्लस आपकी डाइट से। डाइट आप प्रॉपर नहीं ले रहे और मसल आपके क्या है कि वो जल्दी रिकवरी नहीं कर रहे। उसमें क्या होता है कि मसल तो आपके पहले ही अच्छी तरह रिकवर नहीं हुए होते, थके होते हैं मसल, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं। उसी थके हुए मसल को लेकर आप अगले दिन वर्कआउट करने ग्राउंड में चले जाते हैं, तो क्या होता है, जितनी उसमें एनर्जी उसने थोड़ी बहुत ही रिकवर की होती है वो एनर्जी मसल में खत्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आप थक जाते हैं, आपके जो मसल है यानी आप कह लीजिए आपकी लेग्स भारी आपको लगने लग जाती है, ठीक है, बॉडी आपकी पूरा साथ नहीं देती, एनर्जी कम हो जाती है। तो इसलिए मसल रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे जैसे आप अपना वर्कआउट बढ़ाते हैं, आप अपना वर्कआउट हार्ड करते हैं, उसी तरह आपको डाइट भी अपनी बढ़ानी होती है थोड़ी, ठीक है। अब मान लीजिए पहले आप थोड़ी बहुत ही डाइट ले रहे थे, ठीक है, मान लीजिए आप सिंपल 3 किलोमीटर डेली रनिंग कर रहे थे और आप सिर्फ चावल खा रहे थे, चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते, आप रोटी खा रहे थे, ठीक है, कुछ फल फ्रूट आप खा रहे थे, आपका एक अच्छा कंटिन्यू आपकी जो वर्कआउट है वो आपका चल रहा था, आपको पता चलता है कि मेरा कंपटीशन नज़दीक है, आपने वर्कआउट एकदम अपना हैवी कर दिया, तो 1-2 दिन क्या होता है आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता, लेकिन 4-5 दिन बाद आपको ये महसूस होने लग जाता है, आपको थकावट जल्दी होने लग जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपने अपनी डाइट में एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोटीन लेना है, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है मसल रिकवरी के लिए। उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको लेने पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी बॉडी में काफी रोल होता है, हमें एनर्जी देते हैं, हमारी मसल रिकवरी है जो वो जल्दी होती है, ठीक है। इस तरह जो मेन कारण अब तक देखा गया वो डाइट का ही है, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना वर्कआउट बढ़ाते हैं आप अपनी डाइट को भी बढ़ाइए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कीजिए। ये नहीं है कि आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप डिब्बे खा रहे हैं प्रोटीन के और सिर्फ चपाती आप खा रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक जो नेचुरल डाइट होती है वो भी आपको ऐड करनी पड़ती है, आप फल फ्रूट लीजिए, अच्छी कंपनी के जो होते हैं मल्टी विटामिन वगैरह लीजिए ताकि आपकी जो मसल रिकवरी है वो अच्छी हो सके, आप अगले दिन एक अच्छा वर्कआउट कर पाएं। कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि मसल रिकवरी जल्दी हो, आप में जो एक अच्छी एनर्जी रहे ताकि आप एक अच्छा दिन, अच्छा अगले दिन एक अच्छा वर्कआउट आप कर पाएं, ठीक है। तो अब तक जो क्या होता है कि मैंने एक्सपीरियंस जो अभी तक किया है, बहुत से लड़के ऐसे हैं कि अपनी डाइट नहीं बढ़ाते, वर्कआउट अपना बढ़ा देते हैं, उनके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। काफी लोग हैं ऐसे जो मैंने देखे हैं, लेकिन जब वो अपनी डाइट अच्छी करते हैं तो धीरे धीरे क्या है, एकदम तो नहीं होता, धीरे धीरे उनको आराम आने लग जाता है इन चीजों से, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपने एक अच्छा वर्कआउट करना है, अगर आप जल्दी थकना नहीं चाहते आप अपनी डाइट अच्छी कीजिए, एक बैलेंस डाइट आप लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि आप क्यों जल्दी थक जाते हैं, अगर आप फिजिकली भी फिट हैं, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका कारण क्या है, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अगर आपके इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।